Let's resume for today. आज के दिन हमारी डिस्कशन हम डिस्कस कर रहे हैं फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे क्या क्या ख्याल है? हमने कॉस्ट भी देख ली, हमने रेवेन्यूज की एक शक्ल हमने देख ली, हमें पता चला कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से रेवेन्यू की शक्लें फर्क होंगी, रेवेन्यू कर्व्स की शक्लें फर्क होंगी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है अभी हमारा? ऑब्जेक्टिव इज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ फर्म कैन हैव, मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें क्या मामला देखने पड़ेंगे, प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट को अगर ढूंढना हो, हमने क्या देखा था कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट वी कैन डू सो बाय हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टोटल रेवेन्यू मौजूद हो, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें तो हम प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। अब जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो तीन डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, प्रॉफिट की या हमारे ऑपरेशंस की तीन डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। इधर आवर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन आवर टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बढ़ा सकता है, ज्यादा हो सकता है, आवर टोटल रेवेन्यू equals to our total cost, or our total revenue is less than our total cost. जब total revenue total cost से ज्यादा है तो इसमें तो हम कहेंगे कि जी प्रॉफिट है, कंपनी ने जितना रेवेन्यू कमाया कंपनी को उसकी कम कॉस्ट पे करनी पड़ी, तो जो फर्म है वो कुछ प्रॉफिट के अंदर हमें लगती है, फर्म प्रॉफिट के अंदर लगती है जी। जब टोटल रेवेन्यू आपने जितना टोटल रेवेन्यू कमाया उतनी ही आपकी टोटल कॉस्ट थी, इसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, आपने ना कुछ कमाया ना गवाया, ब्रेक इवन आपका। और जब टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं जनाब बिल्कुल आपने नुकसान किया, आपने लॉस किया, पैसे कमाए कम खर्चे ज्यादा, आपने लॉस किया। ये तीन डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आती है। अब हमने दो कर्व देखी है, एक कर्व अभी हमने देखी, पहले जो देखी थी दैट वॉज द टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व याद है कि टोटल कॉस्ट कर्व इस तरह से हमने टोटल कॉस्ट कर्व बनाई थी, याद है कि नहीं? याद मुझे याद है, वगैरह जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने कहा था टोटल कॉस्ट कर्व कर्वी लीनियर सिचुएशन होगी, और कर्वी लीनियर का मतलब क्या था कि टोटल कॉस्ट कर्व यूं लीनियर लाइन नहीं होगी, वो कर्वी लीनियर है। कर्वी लीनियर क्यों है? वो नाम इसलिए कर्वी लीनियर है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से दिस इज समवर्ट कर्वी लीनियर। ये एक हमारा सिचुएशन हमने पहले भी देख चुके हैं, मैं सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए ये आपके पास आता, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी इसलिए जीरो से स्टार्ट हो रही है, और अगर टोटल कॉस्ट होती तो ये उसके ऊपर से स्टार्ट होती, जीरो से स्टार्ट ना होती, इसीलिए हमने टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कर्वी लीनियर सिचुएशन, क्लियर है जी? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल इंक्रीजिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ कांस्टेंट रिटर्न कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजिंग कॉस्ट, उसकी वजह से। अब हम चाहते हैं कि ना हम ढूंढें प्रॉफिट को, तो हमें दूसरी लाइन कौन सी चाहिए? सेकंड लाइन वी नीड दैट इज टोटल रेवेन्यू लाइन। कल परफेक्ट कंपटीशन में हमने टोटल रेवेन्यू लाइन को डिस्कस किया था, ये टोटल रेवेन्यू लाइन फॉर एग्जाम्पल, टोटल रेवेन्यू लाइन। अब इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं, अब तीन डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं, वो तीन डिफरेंट फेजेस कौन से हैं? पहला फेज दिस इज फर्स्ट फेज दिस एरिया, then we have this area, phase change हुआ, हमारे पास एक second area नजर आ रहा है जो कि हमारे different aspects दिखा रहा है, then again we have an other area where we have different aspects। अब अगर हम बात करें कि ना यहां पर क्या है, our total cost, ये total cost curve है, our total cost curve is more than our total revenue, I think that total cost is more than our total revenue, our total revenue is less than total cost, so ye
लॉस की सिचुएशन नजर आ रही है, ये ग्रीन एरिया जो हमने कवर किया ये हमें नजर आ रहा है कि लॉस की सिचुएशन है। ये जो येलो एरिया हमने आइडेंटिफाई किया, दिस येलो एरिया रिप्रेजेंट कि हमारी टोटल कॉस्ट इज लेस देन आवर टोटल रेवेन्यू, नजर आ रही है नहीं? ये टोटल रेवेन्यू की कर्व है और ये टोटल कॉस्ट की कर्व यहाँ पे इस एरिया के अंदर। तो टोटल रेवेन्यू की जो डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर, सेल के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर जो टोटल रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है वो ज्यादा है बनिस्पत टोटल कॉस्ट के। तो इस एरिया के अंदर वी कैन सी इजीली से फर्म इज इन प्रॉफिट। एंड अगेन ग्रीन एरिया आ गया, उस ग्रीन एरिया के ऊपर वी हैव सेम सिचुएशन दैट टोटल कॉस्ट इज मोर देन आवर टोटल रेवेन्यू और हमें इसमें लॉस नजर आ रहा है। ठीक है ना, इस जो अब तक की डिस्कशन है इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। कल हमने, मैंने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट को आपको साथ मिला दिया। पहले हमने पढ़ा था लॉस वेरिएबल प्रोपोर्शन और उसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और कल हमने अपने टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उसको पढ़ा था। उन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज किया है कुछ और नहीं किया यहाँ पे। आज के दिन की डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, इसी डिस्कशन से आगे हमने सारे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ढूंढने वो हमने इसी डिस्कशन ढूंढने, और इस डिस्कशन में सिर्फ दो पॉइंट्स जो होते हैं वो समझने वाले हैं, बाकी चीजें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। दो पॉइंट समझने वाले हैं। एक पॉइंट है कि हमारी जो मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मार्जिनल जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है, ये मार्जिनल को जब आप टोटल के साथ देखते हैं, मार्जिनल विद टोटल, तो टोटल जो आपकी लाइन है, टोटल जो लाइन है जी, अलीशा का ख्याल है कि ब्रेक इवन का पॉइंट भी है जी, बिल्कुल ब्रेक इवन के पॉइंट्स हैं। दिस पॉइंट यहाँ पे बराबर हो गया, दिस पॉइंट यहाँ पे बराबर हो गया, वो दोनों ब्रेक इवन के पॉइंट्स बन जाएंगे जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। अच्छा जी, डिस्कशन सिर्फ हमारी अंडरस्टैंड करना, ताकि हम इससे दो तीन चीजें अहस करना चाह रहे हैं, इस ग्राफ से हम दो तीन चीजें बनाना चाह रहे हैं। पहली बात ये जनाब, जो मार्जिनल का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, मार्जिनल और जब टोटल जो लाइन है, टोटल कर्व्स हैं, जो टोटल की जब हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट कह लें या टोटल रेवेन्यू कह लें, तो उसके और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप नजर आता है। वो क्या रिलेशनशिप है, वो सिर्फ अभी हमने देखा है। आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है या मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, चेंज इन टोटल डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट कह लें या टोटल रेवेन्यू कह लें। और जो आपकी टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये कर्व है, ये लाइन है, इसका जो स्लोप होती है, स्लोप स्लोप ऑफ दीज लाइन वो क्या होती है, दीज कर्व और लाइन वो क्या होती है, वो भी यही होती है, चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, टोटल कॉस्ट क्या लें या रेवेन्यू क्या लें। कॉन्स्टेंट सिर्फ रेवेन्यू के लिए अभी हमने कॉन्स्टेंट समझी, जो अलीशा कह रही है कि कॉन्स्टेंट कर्व होती, स्लोप होती है, वो कॉन्स्टेंट स्लोप रेवेन्यू के लिए तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसकी स्लोप तो चेंज हो रही है, ये स्लोप तो चेंज हो रही है। रेवेन्यू के लिए भी सिर्फ इस एग्जाम्पल में जहां पे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारी टोटल रेवेन्यू की कर्व एक कांस्टेंट स्लोप लाइन है, शायद इसकी स्लोप हमारी बाकी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ये नहीं होगी। लेकिन अभी हम अपनी कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि भाईजान हम चाहते हैं कि हमें फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट मिले। फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट के लिए हमने आइडेंटिफाई की टोटल रेवेन्यू लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, ये दो चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। नाउ इस जो हमारी डिस्कशन है, इससे हाउ वी कैन ट्रेस, क्योंकि प्रॉफिट तो सारे का सारा इस एरिया के अंदर है, लेकिन कहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहां पे इस क्वांटिटी पे, इस क्वांटिटी पे, इस क्वांटिटी पे, इस क्वांटिटी पे, किस क्वांटिटी के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट है फॉर दिस फर्म, तो उसको ढूंढने के लिए हम मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हमने पढ़ी हुई है, ज्योमेट्री हमें क्या कहती है कि भाई जान दो बातें समझिए, एक तो ये कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा दिया उससे पहले भी, कि जनाब जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस की सेम स्लोप होती है जी, ये हमने पढ़ा हुआ, याद है कि नहीं? याद, इक्विलिब्रियम था, फिर उसके अंदर हमने यूं सा करके करते थे उनका, फिर हम स्लोप ढूंढने की कोशिश करते थे उनके साथ, तो पैरेलल लाइंस की सेम स्लोप होती है, टू पैरेलल लाइंस विल हैव सेम स्लोप, सेम स्लोप होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी कर्व का सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट हासिल करना है, सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट हासिल करना है, तो आप क्या कीजिए, आप उस स्लोप के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या पता, एक पॉइंट टच करना, तो स्लोप के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जब आप लेंगे, व्हेन यू टेक दैट परपेंडिकुलर,
ये आपका रेडियस होगा, ये आपका सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट कर्व का बन जाएगा। टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट क्या होता है, दो लाइंस दो कर्व्स आपस में जहां पे एक पॉइंट के ऊपर मिले, सिर्फ एक पॉइंट उनका कॉमन हो, बाकी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे वो दोनों आपस में कॉमन है, वो टेंजेंट टू दिस स्लोप कहलाता है। एक लाइन ड्रा की जाती है स्लोप के पैरेलल, स्लोप से, और वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर वो उस कर्व के टच करता है, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है, और जो वहां पे टच करता है उसके अगर हम पर्टिकुलर ड्रा करें तो वो सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट होता है। इस सिचुएशन में हमने दो बातें ये सीखी, मैथमेटिक्स से, ज्योग्राफी से, ज्योमेट्री से, और हमने क्या किया, हमने कहा इसी दो बातों का हम यहाँ पे फायदा उठाते हैं। फायदा क्या उठाना है, हम चाहते हैं कि ये कर्व इसका इससे जो मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि इनके दरमियान में देखें गैप, ये इस तरह से गैप आ रहा है, पहले गैप थोड़ा है, फिर करते हुए ज्यादा हुआ, और फिर करते करते फिर थोड़ा हो गया गैप, उनमें हमें मैक्सिमम गैप करना है। तो मैक्सिमम गैप आइडेंटिफाई करने में कहता है कि आप इतना कीजिए, जो आपकी टोटल रेवेन्यू लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन टेंजेंट ड्रा कीजिए जो कि पैरेलल हो टू योर टोटल रेवेन्यू लाइन, टेंजेंट टू दी टोटल कॉस्ट कर्व बट पैरेलल टू दी टोटल रेवेन्यू लाइन। अब ये हमने एक लाइन ड्रा कर, ये जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है, ये जो गैप है ये गैप इस दोनों के दरमियान में टोटल रेवेन्यू की और टोटल कॉस्ट के दरमियान में मैक्सिमम गैप दे रहा है। और क्या हमने किया, सिर्फ हमने पैरेलल लाइन ड्रा की जो कि टेंजेंट थी कॉस्ट कर्व के, क्लियर है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। अच्छा, अब हमने ये तो रेडिफाई कर लिया, लेकिन क्या इससे कोई हम नतीजा भी निकाल सकते हैं, ये तो समझ आ गई कि पैरेलल लाइंस हमारी हैं, टेंजेंट हैं कॉस कर्व के, और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट को, ढूंढ लिया हमने विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, हमने ढूंढ लिया, बट इससे कोई नतीजा भी हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते। एक तो नतीजा आपका यह है कि हमने कहा था कि दो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात हमने कही थी कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप, टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप को हम देंगे मार्जिनल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू कर्व की स्लोप को हम देंगे मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो हमने यहाँ पे बात की थी कि मार्जिनल का टोटल कॉस्ट की स्लोप के साथ रिलेशनशिप होता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप को हम मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं और टोटल रेवेन्यू कर्व की स्लोप को हम मार्जिनल रेवेन्यू कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कोई मुश्किल इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है, एक कॉन्सेप्ट को हमने पकड़ना है, जब हमने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आगे हमें आसानी ही आसानी होगी। अच्छा जी, तो जब हमने कहा कि ये दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन की स्लोप बराबर होनी चाहिए, तो इस लाइन की स्लोप इस लाइन के तो बराबर है, और ये लाइन जब इस कर्व को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर, तो उस कर्व की स्लोप भी इस लाइन के बराबर आ गई, इस लाइन के क्योंकि सेम पॉइंट के ऊपर है, तो वो सेम पॉइंट के ऊपर दोनों की स्लोप बराबर होगी। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि मार्जिनल रेवेन्यू जो इस वक्त ये स्लोप है और जो ये स्लोप है जो कि मार्जिनल कॉस्ट है, ये दोनों बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये एक पहला हमने कंडीशन किससे निकाली, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं इसको, पहली कंडीशन हमने ढूंढी कि मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या था, वो जो हम बात कर रहे थे मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, पहली कंडीशन जिसको हम नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर ये होगी तो आप कह सकेंगे कि हम इक्विलिब्रियम में, अगर ये नहीं होगी तो फिर तो हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे। नेसेसरी कंडीशन हमने कहा एम सी इज इक्वल टू एम आर, वो हमने कहां से लिया, ये जो पॉइंट था आपका, ये जो एम सी और एम आर दोनों टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप है और पैरेलल लाइन के ऊपर लाइक कर रही है, इस वजह से हमने कहा कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं, मुश्किल नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, एमसी इज इक्वल टू, जब भी आपको कहा जाएगा कि फॉर्म का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, तो फौरन से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी जहां पे एमसी एम आर के बराबर होगा। और सेकंड पॉइंट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, इसका क्या मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर तो हो गए, लेकिन जहां पे वो बराबर हुए उससे पहले एमसी वाज लेस देन एमआर, जहां पे वो बराबर हुए उस पॉइंट से पहले एमसी मस्ट बी लेस देन एमआर, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, एमसी एमआर को नीचे से कट करता है। अब इसको एग्जांपल हम देखते हैं, हमने एमसी की मार्जिनल कॉस्ट की लाइन
अभी हमने मार्जिन रेवेन्यू की लाइन अभी हमने ड्रा की थी, याद है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एम आर ए आर, हमने कहा यही हमारा एम आर है, यही हमारा ए आर है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आउटपुट क्या चाहिए वो आउटपुट बढ़ती जाती थी, और ये हमारा एम आर और ए आर रेवेन्यू थी, और एम सी भी इधर ही आई, ये था हमारा एम टी एम आर। हमने एम सी की डिस्कशन भी की हुई है, एम सी क्या थी, एम सी हम कहते थे कि ये जनाब दिस इज दी लाइन दैट इज एम सी, मार्जिन कॉस्ट, याद है मार्जिन कॉस्ट की लाइन, ये मार्जिन कॉस्ट, पहले नीचे जाते फिर काम करते, ये मार्जिन कॉस्ट की लाइन थी, उसी को हमने यहाँ पे, ये हमने एम सी को समझा। अब यहाँ पे देखें दो पॉइंट्स हैं जिन पे एम सी एम आर से बराबर है, हियर एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड आल्सो हियर एम सी इज इक्वल टू एम आर, दोनों पॉइंट के ऊपर एम सी एम आर से बराबर है। लेकिन कहा कि जनाब ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले एम सी इज मोर देन एम आर, इस पॉइंट से पहले इस एरिया के अंदर एम सी इज मोर देन एम आर, ये हमारा सेकंड कंडीशन पूरी नहीं करेगा, और इस पॉइंट से पहले एम सी इज लेस देन एम आर, ये जो पॉइंट सेकंड पॉइंट था, तो नेसेसरी कंडीशन भी पूरी हुई, एम सी इक्वल टू एम आर एंड देन एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ये जो हमने बात कही थी कि इस पॉइंट से पहले एम सी शुड बी लोअर देन एम आर, एम सी नीचे से एम आर को कट करेगा, दीज आर दी टू कंडीशन दैट मस्ट फुलफिल फॉर आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट टू एग्जिस्ट। हम अपने इक्विलिब्रियम को ढूंढना चाहेंगे तो हमें ये दो चीजें लाजमी बा लाजमी चाहिए, और कहां से हम ढूंढ रहे हैं वो हमारी डिस्कशन यही है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के पैरेलल टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन दो डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट स्लोप और स्लोप इक्वल, पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल, जब स्लोप इक्वल इसका मतलब एम सी एम आर के बराबर, और एम सी सेकंड कंडीशन एम सी कट्स बिलो, यानी कि उस पॉइंट से पहले एम सी वाज लेस देन एम आर, उसको हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया कि इफ दिस इज आवर एम सी दिस इज आवर एम आर, दो पॉइंट के ऊपर एम सी एम आर के बराबर हो रहा है, बट एट दिस पॉइंट इस पॉइंट से पहले एम सी वाज मोर देन एम आर, तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन, ये जो सेकंड कंडीशन है ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए वी मस्ट नीड दीज टू कंडीशन टू फुलफिल साइमल्टेनियसली, देन वी कैन से एट दिस क्वांटिटी, एट दिस क्वांटिटी दिस आउटपुट कंपनी फर्म विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा यहां पर पढ़ क्यों रहे हैं, फिर फोकस हम करने, हम ढूंढना ही चाह रहे हैं कि जनाब फर्म किस क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बेचे और उसके ऊपर से फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर रही होगी। तो हमने जब डिफरेंट क्वांटिटी देखी, डिफरेंट हमने सिनेरियोस देखे, हमने जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की सिचुएशन देखी, तो हमें पता चला कि यार अच्छा हमारी जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट पैरेलल होती है, जहां पे टेंजेंट होती है टोटल कॉस्ट के वो पैरेलल लाइन, वहां पे मैक्सिमम हमारा गैप नजर आ रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव मैक्सिमम गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। अच्छा उसके लिए फिर हम क्या किया, हमने कहा कि अच्छा हम दो कंडीशन इससे ढूंढनी, एम सी एम आर के बराबर और एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये दो कंडीशन होंगी तो वी विल से कि एट दिस क्वांटिटी आवर फर्म विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर है जी, मुश्किल तो नहीं, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने ढूंढी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने ट्रेस आउट किया जी। लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे, आज के दिन हमें जल्दी काम है, तो आज के दिन हम यहां पे कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम परफेक्ट कंपटीशन के कंडीशन देखेंगे, उसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या सिचुएशन होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।